नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। मेरा आज का व्याख्यान वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर केंद्रित रहेगा। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने जब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बात की थी, तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक साहित्य की भी चर्चा हुई थी। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद से हमें जिस काल विशेष की जानकारी मिलती है, उसे ऋग्वैदिक काल और शेष तीनों वेद, उनके ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों से जिस काल विशेष की जानकारी मिलती है, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जहां तक इनके तिथि क्रम का प्रश्न है, बहुत लंबे समय तक इस बात को माना जाता रहा कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा, परंतु नवीनतम अनुसंधानों के प्रकाश में इन तिथियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। काफी लंबे समय तक चले उपग्रहीय सर्वेक्षणों, वैदिक खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, गणित इत्यादि पर आधारित तथ्यों के प्रकाश में और डेविड फ्राले ने अपनी पुस्तक वैदिक आर्यंस एंड द ओरिजिन्स ऑफ सिविलाइजेशन में वैदिक सभ्यता की कुछ नई तिथियां घोषित की है, जिसके अनुसार ऋग्वैदिक काल 6000 ईसा पूर्व से 3700 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल का प्रथम चरण 3700 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का द्वितीय चरण 3100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रहा। इसी उत्तरवादी काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार यह बात भी सिद्ध होती है कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यताएं नहीं है, बल्कि एक ही सभ्यता के दो भाग रही। यहाँ पर सरस्वती नदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर करना आवश्यक है। सरस्वती नदी, जो कि ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसा पाने वाली नदी थी और पूर्ण वेग से प्रवाहमान थी, वो 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास सूख गई थी। और सरस्वती नदी के सूख जाने के पश्चात वैदिक युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि इसी के साथ वैदिक युग का भी अंत हो गया? इस प्रकार वैदिक सभ्यता के तिथि क्रम का जो प्रश्न है, वो वर्तमान तथ्यों के प्रकाश में नए तरीके से व्याख्यायित किया गया। एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो बहुत लंबे समय तक वाद विवाद का विषय रहा, वो था वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों के मूल स्थान से संबंधित। आर्य भारत में बाहर से आए थे अथवा उनका मूल निवास स्थान क्या था, इस पर काफी लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहा और नवीनतम अनुसंधानों के प्रकाश में अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में सप्तसैंधव प्रदेश रहा। सप्तसैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आर्य भाषा परिवार या इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसका प्रयोग आर्यों ने सप्तसैंधव प्रदेश में किया। दूसरे, ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक परिवेश की समानता स्पष्ट है सप्तसैंधव प्रदेश से होती है। तीसरे, ऋग्वेद में कहीं भी आर्यों के बाहर से आकर बसने के संकेत नहीं मिलते हैं। चौथा, ऋग्वेद के अनुसार आर्य सप्तसैंधव प्रदेश को अपनी मातृभूमि मानते हैं। और इस इन सब से अलग और बहुत खास बात जो बताई जाती है, वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ मौलिक समानताएं जो नजर आ रही हैं, उनके कारण भी यह स्पष्ट होता है कि आर्य लंबे समय से सप्तसैंधव प्रदेश में रह रहे थे और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। ये मौलिक समानताएं क्या थी या क्या नजर आती,
दोनों ही सभ्यताओं में विकसित नगरीय जीवन दिखाई देता है। दोनों ही सभ्यताओं में जल निकास प्रणाली का समान रूप से विकास किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग साइट्स में अग्निवेदिकाएं नजर आती है, उनका यज्ञों से संबंध रहा, वैसी पद्धति हमें वैदिक सभ्यता में भी नजर आती है। दोनों ही सभ्यताओं के लोग घोड़े से परिचित रहे और वैदिक दहाकर्म की पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलित रही। तो इस प्रकार से नवीनतम तथ्यों के प्रकाश में ये बात साबित की जा चुकी है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत का सप्त सैंदव प्रदेश रहा। यह सप्त सैंदव प्रदेश सात नदियों से मिलकर बना, जिसके अंतर्गत सिंधु, सरस्वती, सतलज या शतुद्री, व्यास या विपाशा, रावी या परुष्णी, चिनाब या अस्तिकनी और झेलम या वितस्ता नदी रही। जब ऋग्वेद से हमें आर्यों की भौगोलिक स्थिति की जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार अफगानिस्तान की कुछ नदियां भी इनके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल रही, जिसमें कुभा या काबुल, सुवास्तु या स्वार, कुरमु या कुरम और गोमती या गोमल मुख्य नदियां थी। जहां तक भारत की मुख्य नदियों गंगा और यमुना की बात है, तो उनका उल्लेख ऋग्वेद में 2 या 3 बार हुआ है। इसका आशय यह भी है कि आर्यों का विस्तार जो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा था, तो गंगा और यमुना तक उनका विस्तार हुआ है, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़े थे। हिमालय अथवा हिमवंत का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नदी की उन्होंने प्रशंसा की है वो है सरस्वती नदी। सरस्वती के लिए कहा गया है, अंबितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, और उन्होंने मुक्त कंठ से सरस्वती की तारीफ की। ऋग्वेदिक काल में जब हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक इकाइयों के बारे में इस काल से जानकारी मिलती है। सबसे पहले जिस राजनीतिक इकाई की जानकारी मिलती है वो है जन या कबीला। ऋग्वैदिक काल में एक जन में एक वंश परिवार के सभी लोग शामिल होते थे। मुख्य रूप से पंच जनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुरु, यदु, दुर्वश, अनु और द्रह्यु शामिल थे। ऋग्वैदिक काल में युद्ध की जहां तक बात है, दाशरथी युद्ध के विषय में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध 10 जनों ने किया था, और इस युद्ध में सुदास विजयी रहा था। 10 जनों में पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रहु, अलिन, पक्त, भलानस, विशानी एवं शिवी शामिल थे। जहां तक जनों के विस्तार की बात है, तो इस समय जनों के अंतर्गत एक ही वंश के लोग शामिल होते थे। क्षेत्र विशेष से जुड़े जनों का जो उत्कर्ष है वो उत्तर वैदिक काल में नजर आता है। राजनीतिक इकाइयों की जब हम बात करते हैं, तो एक शब्द जिसका प्रयोग हुआ है वो है विश। जन या कबीले में रहने वाली प्रजा को विश कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के साथ ही हमें राजा या राजन शब्द का प्रयोग मिलता है। राजा जन या कबीले का अधिपति होता था। आरंभ में उसका पद निर्वाचित होता था, बाद में वंशानुक्रम। राजा के अधिकारों का जहां तक प्रश्न है, प्रजा को राजा की
के निर्वाचन एवं निर्वासन का अधिकार था और राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण था। सभा और समिति नाम की जो दो संस्थाएं थी वो राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। तो इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद बहुत हद तक जनतंत्रात्मक था और वो किसी प्रकार की मनमानी करने की स्थिति में नहीं था। राजा के अतिरिक्त राजकीय पदाधिकारियों की भी सूचना मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से तीन पदाधिकारियों के बारे में हम बात कर सकते हैं, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित का पद सबसे प्रमुख होता था, कि राजा को मुख्य रूप से परामर्श देने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक काल में हमें विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे प्रसिद्ध पुरोहितों की जानकारी मिलती है। सेनानी या सेनापति दूसरा मुख्य पदाधिकारी था, जो युद्ध के समय में सेना का नेतृत्व करता था। ग्रामणी ग्राम प्रशासन का प्रमुख होता था। ग्रामणी गांव की जनता के द्वारा निर्वाचित होता था अथवा राजा के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता था। इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इन तीनों पदाधिकारियों के अलावा कुछ और अन्य कर्मचारियों की भी हमें सूचना मिलती है, जिनमें दूत, पूरक या दुर्गपति और स्पश या गुप्तचर शामिल था। राजकीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सभा और समिति की रही। समिति एक जन प्रतिनिधि संस्था थी, या यूं कह सकते हैं कि समिति में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता था। इसकी बैठकों में राजा भी शामिल होता था। सभा अपेक्षाकृत एक छोटी संस्था थी और इसमें कुछ विशिष्ट लोग शामिल होते थे और इनका मुख्य कार्य राजा को परामर्श देने का था। न्यायिक कार्यों में भी ये राजा की सहायता करती थी। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में हमें न्यायिक पद्धति की कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पशुधन की चोरी, धोखाधड़ी, द्यूत क्रीड़ा में बेईमानी आदि सामान्य अपराध थे। पशुधन की चोरी के अतिरिक्त घरों से अन्न और कुछ द्रव्य वगैरह भी चुराया जाता था। अपराधियों को शारीरिक और आर्थिक दंड दिए जाते थे। इस समय मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था और जहां तक किसी अधिकारी की बात है तो उग्र नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः पुलिस की तरह कार्य करता था। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में जो आज हमने चर्चा की, उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त संदोक प्रदेश रहा और धीरे धीरे वे पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ते गए। जन नामक जो संस्था है वो हमें ऋग्वैदिक काल में नजर आती है। जनपदों का उत्कर्ष उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की खास बात जो हमें नजर आती है कि इस समय राजा या राजन के पद का सृजन हुआ और कुछ पदाधिकारी और कुछ संस्थाएं जो कि राजा को निरंकुश होने से बचाती थी, ये
यहाँ के राजनीतिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग थी।